नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर फेयर कंपेयर चैनल पर। आज का जो वीडियो है काफी खास है, क्योंकि यहां पर मैं एक ऐसी एसेंशियल चीज के बारे में वीडियो बना रहा हूं जो कि सभी को लगती है और सभी को जरूरत इसकी होती है। हम सभी के घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होंगे जिसमें हम तरह तरह के प्लग लगाते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें स्पाइक गार्ड की जरूरत जरूर पड़ जाती है। आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है तीन अलग अलग कंपनी के तीन अलग अलग स्पाइक गार्ड्स हैं और अलग अलग फंक्शनैलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इन तीनों का आज रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो है कम से कम 6-7 महीने इन्हें हो गए, मतलब इस वाले को 6 महीने हो गए, ये वाला तो मेरे पास मतलब 1-2 साल दो से है और ये वाले को भी लगभग 1 साल हो चुका है। तो तीनों का मैं यहाँ पर डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन भी दे दूंगा। वैसे कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि इनमें यूएसबी पोर्ट्स भी है आप देख रहे हो, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो क्या सही है क्या नहीं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले चाहूंगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये तीनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंपल वाला जो स्पाइक गार्ड उसके बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा बाजू कर देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखने में होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कंपनी का नाम है जीएम और इसे आप 3060 के नाम से भी जान सकते हो, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर खरीद सकते हो। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखो यार, जब ये आएगा आपके पास तो आप देख रहे हो 4 सॉकेट इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर एक रेड लाइट मिल जाता है जो कि जलता है जैसे आप इसे किसी बोर्ड में लगाते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। उससे पहले आप केबल देख लीजिए, रेड कलर की केबल दी गई है और क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी अच्छी, मतलब एकदम स्मूथ या एकदम मतलब वो बोलते हैं ना एकदम नर्म नहीं है, थोड़ा सा हार्डनेस आपको फील होगी, लेकिन क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया और अच्छा मोटा केबल है। खराब होने के चांसेस बहुत कम है, 1 साल से तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो कुछ भी मुझे फर्क नहीं मिला है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और आप देख रहे हो कि लाइट यहाँ पर जो है ऑन हो गया है, इस तरीके से लाइट जल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बटन भी दिया है इन्होंने कि इस बटन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, इसको चालू या बंद कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। काफी सारे स्पाइक गार्ड्स में ये चीज मिस होती है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है। खासतौर पर स्पाइक गार्ड में अपनी खुद की बटन होनी चाहिए। नीचे की तरफ आपको ये मिल जाएगा फ्यूज, यहाँ पर ये फ्यूज लगा हुआ है, तो इससे जब भी अगर आपको लगता है कि खराब हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा तो आप ये फ्यूज चेक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि ये फंक्शन इसका काफी बढ़िया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम भी है तो आपके डिवाइसेस को खतरा नहीं होगा। अगला ये नीचे की तरफ से आपको दिख जाता है, यहाँ पर टंगाने के लिए 2 जगह दी हैं, तो अगर आप इसे टेबल पर नहीं रखना चाहते, मैं वैसे टेबल पर रखकर यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टंगाना चाहते हो तो टंगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफी बढ़िया, 4-5 बार गिरा भी है और कोई तकलीफ मुझे नहीं हुई है। एक तकलीफ जो है इसमें मुझे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप ये सॉकेट देख रहे हैं इनके अंदर कवरिंग दी गई है, तो ये आमतौर पर तो सिंपल अच्छे से इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि आपने कभी अपना चार्जर लगाया तो ऐसे प्लग तो हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो कवर है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें फिर प्लग लगाने में, ये कोई भी प्लग लगाने में बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को फिर ठीक किया जा सकता है। आप फिर पेन वगैरह लेकर के ठीक, मैं तो कर लेता हूँ, बट हाँ कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम आई है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये अभी अमेजन पर लगभग 450 रुपये का है, 477 अगर ऐसे देखना है तो। लेकिन हाँ, प्राइजेस कम ज़्यादा होते रहते हैं, मेरे खरीदते समय 350 रुपये का था, तो मैंने काफ़ी अच्छी डील में खरीद लिया था। 4 चीज़ें काफ़ी अच्छे से चल जाएगी, मोबाइल चार्ज करना है वगैरह, कोई भी चीज़ आपको चार्ज करनी सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और फास्ट चार्जिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। मीटर वो चार्ज भी यहाँ पर चालू हो गया है, चारों सॉकेट में आप अलग अलग चीज़ें चला सकते हो। तो ये एक स्पाइक गार्ड काफी अच्छा लगा। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो, अगर आपकी नीड नहीं है कि आपको यूएसबी पोर्ट्स भी चाहिए। अगर आपको यूएसबी पोर्ट्स भी चाहिए तो जीएम की तरफ से आने वाला जो अगला मेरा स्पाइक गार्ड है उसके बारे में बात करता हूँ। पहले तो आप ये ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी दी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको बाजू कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगला जो स्पाइक गार्ड है ये पोर्टोनिक की तरफ से, जीएम वाला भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप ये वाला देख लीजिए। पोर्टोनिक की तरफ से आने वाला ये स्पाइक गार्ड है, यहाँ पर इसकी एक स्विच आपको दिखाई दे रही होगी जो कि इस तरीके से बंद और चालू हो जाती है। इसमें खास बात ये है कि 3 पोर्ट्स हैं, 3 आपको सॉकेट मिल जाएंगे और 1 सॉकेट मिल जाएगा यहाँ पर, सॉकेट नहीं मतलब 3 सॉकेट और मिल जाएंगे, यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं। और इनका जो अगर देखें कि भाई कितने एम्पीयर के हैं, तो ये दिखा दूँ आपको मैं, ये 3 आउटपुट हैं जो कि लगभग 10-10 वाट के हैं, तो आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छी सी चार्जिंग हो जाती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ 5 वाट का आउटपुट दे पाते हैं, तो वो उतने खास मुझे नहीं लगते हैं। ये वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि जो भी छोटी मोटी डिवाइसेज सेल वगैरह अगर चार्ज करना है तो बैटरीज वगैरह चार्ज करनी है तो यहाँ से आराम से हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा तगड़े मुझे लगे हैं और इनकी बनावट जो है थोड़ी गोल सी है, तो पकड़ने वगैरह में भी आसानी होती है और लटकाना है तो आप इस तरीके से लटका भी सकते हो। लेकिन ये दिक्कत है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पर भी एक चीज़ थी, यहाँ पर भी एक चीज़ थी, इसको सिर्फ आप इस तरीके से लटका सकते हैं, यानी कि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली लटकाने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ये 2 होल्स हैं बट इनसे लटकाया नहीं जा सकता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ गलत है। यहाँ पर आप देखोगे तो केबल भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, इसकी केबल की बात करता हूँ, जो पिछला मैंने बताया है आपको जीएम 3060, उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी केबल इसमें आपको मिल जाती है और ये तो
प्लग तो जैसे कि वैसे ही आपको मिलने वाले हैं, तो इसको मैं प्लग इन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से चलेगा। इसमें किसी प्रकार का इंडिकेटर नहीं है ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इसमें इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर होते हैं। तो अभी ये बंद है, अभी जैसे मैं चालू करूंगा तो आप ये देख रहे हो कि जो यूएसबी पोर्ट्स हैं इनमें एक ब्लू लाइट आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि चालू है या नहीं है। और एक खास बात इसकी कि इसमें किसी प्रकार का कैप यहाँ पर नहीं दिया है, पोर्ट्स के अंदर किसी रेड या ब्लैक कलर का कैप नहीं दिया है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि यार आपका जो है प्लग लग नहीं पा रहा है या पेन वगैरह से ठीक करना पड़ रहा है। वो अपनी जगह पर सही है, वो थोड़ी सी कवरिंग प्रोवाइड करता है, वो अपनी जगह पर सही है, और ये भी अपनी जगह पर सही है अगर आपके घर में ज़्यादा कचरा नहीं होता है और इसके अंदर जाने का खतरा नहीं है तो, वरना वो वाला ज़्यादा बेटर था। ये वाला बेटर इस वजह से भी क्योंकि एक और फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको यूएसबी पोर्ट्स दे रहा है जिससे कि आप अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हो। ज़्यादा अगर आपको अडॉप्टर वगैरह रख के घूमने की आदत नहीं है या फिर लैपटॉप वगैरह आपके खो जाते हैं बार बार, तो ये चीज आपके बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो लगभग 850 रुपए के करीब होता है, लेकिन मेरे पास जैसे काफी समय हो गया तो मैंने उसको 700 रुपए में ही खरीदा था। अलग अलग समय पर अलग अलग जो है रेट्स इसके होते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर फटाफट आप खरीद सकते हो। काफी अच्छी डिवाइस है और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही यार, ये तो मैं खुद आपको कह रहा हूँ, मैंने काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे दूसरे पॉल्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाले, तो इनको पावर प्लेट 2 कहा जाता है, बट ठीक है यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने इनोवेटिव डिजिटल पोर्टेबल, ये सारी चीजें। तो दोस्तों अगला जो है ये हमारा GM का है, ये इसकी भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं यार GM 3261 3261। इसमें आपको तीन पोर्ट देखने मिलेंगे जो कि आप तीन सॉकेट मिलेंगे जिसमें आप प्लग लगा सकते हो। यहाँ पर एक सिंपल बटन दी गई है, किसी प्रकार का फ्यूज का कुछ सिस्टम नहीं लगाया गया है, हालांकि हो सकता है बॉक्स के अंदर हो, मैंने कभी देखा नहीं। 6 महीने लगभग चलाते हुए हो रहे हैं और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात इसकी लगी कि आप ये देख सकते हो मैक्सिमम 2500 वोल्ट ये प्रोवाइड कर सकता है, USB DC 5 वोल्ट और 2.4 एम्पियर, यानी कि लगभग 12 वाट जो है उसका सपोर्ट करता है, यानी कि 12 वाट से आपके फोन्स को आपके किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकता है, वो काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पर तीन सॉकेट इसके दिए हैं, तीन प्लग दिए हुए हैं। इसमें भी कैप आ जाता है तो कचरे वगैरह से डरने की जरूरत नहीं, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। हालांकि जो मेन है उसके अंदर तो किसी प्रकार कोई कैप है नहीं। सबसे खास बात इसकी मुझे लगती है जो दोनों अभी मैंने आपको दिखाया उनकी केबल और इसकी केबल में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। इसकी जो केबल है दोस्तों काफी ज्यादा ये नर्म है, जिसकी वजह से क्वालिटी भी आपको नजर आती है। इस पर हर तरफ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हुई है इसके बारे में, और फंक्शनैलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है अगर आप इसको बार बार निकालना लगाना कर रहे हैं, तो केबल जो है आपको परेशान नहीं करेगी। मैंने देखा है कि यहाँ से हार्ड होती है केबल, तो फिर इसको उठाना रखना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इसको गोल गोल घुमाते रहो, इस तरीके से काम करने पड़ते हैं। इसमें वो नहीं करना पड़ता, ये काफी खास बात है। चार्जिंग वगैरह मैं मोबाइल इससे कर लेता हूँ, काफी ईजिली हो जाता है, दिखा देता हूँ इस तरीके से। सिंपल आपको अपनी ये केबल लेनी है, इसको यहाँ पर ऐसा डाल देना है, और वो टर्बो चार्ज वगैरह सपोर्ट नहीं करेगा, बट फिर भी काफी अच्छा चार्ज करता है। अभी ये चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने प्लग नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ तो आप देख रहे हो ये जो है चार्ज करना शुरू कर देता है। क्विक चार्ज होगा 12 वाट के हिसाब से, फोन 27 वाट सपोर्ट करता है और उस हिसाब से टर्बो चार्ज लेता है, तो फिलहाल ये 18 वाट भी नहीं है। सिंपल जो 12 वाट का आपका अडॉप्टर पहले फोन में आता था उस तरीके से चार्ज होगा, अच्छी खासी चार्जिंग दे देता है। इसका प्राइस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाई मैंने पोल्ट्रॉनिक्स बताया 850 रुपए का था, ये वाला सिर्फ 700 रुपए में, और मेरे लेते समय तो ये 700 रुपए का ही था, लगभग 692 रुपए कुछ पड़ जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। काफी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया है और काफी समय से चला रहा हूँ, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है। तो आप भी ये खरीदो और अगर जरूरत है तो जरूर खरीदो। पैकिंग वगैरह काफी बढ़िया से मिलती है, तो आप ये ले सकते हो ना। और कुछ जानकारी अगर इनके बारे में चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।